नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए, आज कल कृष्ण भक्ति शाखा पर हमने बात की थी, आज हम सूरदास पर बात करेंगे। सूरदास की बाघ विदग्ध था। आप लोग पहले तो पूछेंगे, मैम बाघ विदग्धता क्या होती है, तो धैर्य रखिए। एक शुक्ल जी का एक स्टेटमेंट है, सूर में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही चतुरता और बाघ विदग्धता भी है। ये आपका सीधा सीधा प्रश्न भी ऐसे ही स्टेटमेंट देके पूछ लेते हैं कि सूर में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही चतुरता और बाघ विदग्धता भी है। सिद्ध कीजिए या इस स्टेटमेंट की व्याख्या कीजिए, इस अंश की व्याख्या कीजिए। इस तरह से ये सीधा सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो जब इस तरह का संपूर्णता में प्रश्न पूछा जाएगा, ये स्टेटमेंट दिया जाएगा, तो आपको सहृदयता पर भी लिखना है, भावुकता पर भी लिखना है, चतुरता पर भी लिखना है और बाघ विदग्धता को भी समझाना है। लेकिन आज के हम क्वेश्चन में सिर्फ बाघ विदग्धता पर बात करेंगे, क्योंकि अकेले इस बाघ विदग्धता पर भी पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि सूर के काव्य में या भ्रमर गीत में बाघ विदग्धता के दर्शन होते हैं। सिद्ध कीजिए या क्वेश्चन की भाषा कुछ भी रहे, बाघ विदग्धता पूछी जाती है। आप पुराने प्रश्न देखते रहिए ताकि आपको समझ में आता चले कि मैम पढ़ा क्या नहीं है। ऐसे तो आपको लगेगा कि मैम क्या पढ़ाने लगती हैं। पहले तो इन चारों शब्दों के अर्थ समझ लीजिए। आप ये कहेंगे मैम जब ये चारों पूछे जाएंगे एक साथ तो आप सिर्फ बाघ विदग्धता बताएंगे, तो हम ये पूरा क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए आप धैर्य रख के परेशान ना हो, हम इन चारों के टॉपिक पे पढ़ाएंगे, आपको बात करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बाघ विदग्धता है। सहृदयता, सूरदास की सहृदयता दिखती है आपको उनके वात्सल्य में और प्रेम में, वात्सल्य और वियोग में, वियोग श्रृंगार में। भावुकता भी क्या बोलो, हाँ सहृदयता दिखती है वात्सल्य में और प्रेम में, भावुकता दिखती है विरह में, जो वियोग श्रृंगार है, वियोग, ठीक है। और चतुरता इनकी दिखती है उपालंब काव्य में। उपालंब मतलब होता है उलाहना देना, तो जहां वो उलाहना देने वाली बातें करती हैं गोपियां, वहां उनकी चतुरता दिखती है। और बाघ विदग्धता का मतलब होता है व्यंगपूर्ण, व्यंगपूर्ण अथवा टेढ़े मेढ़े ढंग से बात कहना, टेढ़े मेढ़े ढंग से बात कहना। जैसे एक तो सिंपल होता है कि जैसे अगर है कि कोई लड़की सीधी है तो हम उससे कहें कि तुम बहुत सीधी हो या वह बहुत सीधी है, सिंपल भाषा होगी। हम उसे ऐसे भी कह लेते हैं कि वह तो गाय है, तो भी हम समझ जाते हैं कि वो सीधी है, इसलिए हमने उसे गाय कहा कि वो तो बिल्कुल गाय है। फिर हम इस तरह भी कहते हैं, हाँ तुम तो गाय हो ना, जानते नहीं है हम तुम्हें, तो इस गाय का अर्थ चेंज हो जाता है, मतलब अब ये गाय मारने वाली हो गई, मतलब अब व्यंग में उसे गाय कहा जा रहा, वास्तव में वो गाय नहीं है, वो सीधी नहीं है, तब उसे कहा जा रहा हाँ वो तो गाय है, गाय जानते हैं, मतलब वो गाय नहीं है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा ढंग होता है, व्यंगपूर्ण ढंग होता है किसी के लिए यूज करने का, शब्द वही रहता है पर इस तरह कहा जाता है कि चुभता है सामने वाले को और सामने वाला छटपटा के रह जाता है, आंसर भी नहीं दे पाता। गुस्सा बहुत आती है जब कोई किसी पर व्यंग कसता है, तो सामने वाला छटपटाता बहुत है लेकिन वो जवाब भी नहीं दे पाता, क्योंकि सीधे सीधे उससे कुछ नहीं कहा गया होता है। इसीलिए व्यंगपूर्ण भाषा बहुत चुभती है और बहुत प्रभावी होती है किसी को कुछ कहने के लिए। डायरेक्ट वो आपसे कुछ कह भी नहीं पाएगा
अपनी बात कह भी लेगा, आपको दुख भी मतलब चुभ भी जाएगी और आप उसे आंसर भी कुछ नहीं दे पाएंगे, समझ जाएंगे लेकिन कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये एक कला है, तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं, बाघ विदग्धता को, कि कैसे सूर के काव्य में बाघ विदग्धता कहाँ कहाँ दिखती है। तो जब हम भूमिका लिखेंगे तो बाघ विदग्धता वाले में हम सूर का ही स्टेटमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हम लिख देंगे कि क्यों बाघ विदग्धता है, क्यों है, तो गोपियां विरह में है, परेशान है, दुखी है, इसलिए उनके अंदर आक्रोश है और उसी को व्यक्त करने के लिए उनकी जो भाषा है वो व्यंगपूर्ण हो गई है, या यशोदा की है या नंद की है, किसी भी की भी भाषा इसीलिए व्यंगपूर्ण हो गई है क्योंकि वो अंदर से दुखी हैं और सीधे कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो ताना कस रही हैं, व्यंग कस रही हैं। और शुक्ल जी कहते हैं कि किसी बात को कहने के कितने न जाने टेढ़े मेढ़े ढंग उन्हें मालूम थे, किसी बात को कहने के न जाने कितने टेढ़े मेढ़े ढंग उन्हें मालूम थे, ये शुक्ल जी कहते हैं सूरदास के लिए। तो कहाँ कहाँ दिखता है इनका व्यंग, तो सबसे पहले तो गोपियां ही कहती हैं गुस्से में, जब उद्धव जी आ जाते हैं तो गोपियां कहती हैं क्या कहती हैं, निर्गुण कौन देश को बात सी, जब वो कह रहे हैं कि आप निर्गुण उपासना करो तो गुस्से में कह रही हैं, दिखा नहीं रही हैं, कह रही हैं निर्गुण कौन थे इसको बासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण किस देश का रहने वाला है, क्या करता है, क्या खाता पीता है, कौन उसके माँ बाप हैं, किस कौन उसकी दासी है, निर्गुण कौन देश का वासी है, हम नहीं जानते उद्धव, हम जैसे जानते ही नहीं है, उससे प्रेम कैसे करें, उसकी भक्ति कैसे करें। तो पूछती हैं क्या बता तो हाँ इसमें व्यंग कैसे आएगा, वो इस तरह कहती हैं, हाँ उद्धव जी तुम जो कह रहे हो वो मैं मान लेती हूँ, पर हमें ये बता तो दो कि निर्गुण कहाँ का रहने वाला है, तब तो हम उसकी भक्ति करें, अब वो निर्गुण ही है तो उद्धव जी क्या बताएंगे। कृष्ण के प्रति कहाँ कहाँ, अब हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इनमें वो दिखता है बाघ विदग्धता, कहाँ कहाँ दिखाई देती है, और बाघ विदग्धता को ये जानबूझकर व्यंग नहीं कस रही है, इनकी भावुकता, इनका प्रेम ही इन्हें व्यंगात्मक बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो पॉइंट में लिख लेते हैं कि कृष्ण के प्रति पॉइंट्स पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे व्यंग दिखता है सूरदास के काव्य में, कैसे कैसे गोपियां व्यंग कर रही हैं। तो कृष्ण के प्रति प्रेम के पक्ष में ठोस तर्क, वो कोई लड़ाकू नहीं है, वो कोई लड़ नहीं रही है, पर उद्धव जी उन्हें ज्ञान सिखाने आए हैं, उद्धव जी उन्हें ज्ञान बता रहे हैं और वो पूरी तरह प्रेम में सराबोर हैं, तो उन्हें ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, वो ज्ञान चाहती भी नहीं है, तो उस आक्रोश में उसमें जो अंदर और दुखी हो रही है उसके लिए वो ठोस तर्क दे रही है, इसलिए उनको व्यंगात्मक उनकी भाषा हो जाती है, कृष्ण के प्रति प्रेम के पक्ष में ठोस तर्क देती हैं, ऐसा नहीं कि प्रेम कर रही हैं तो उनके वो ऐसे कहने ही प्रेम है, पर प्रेम इतना ज्यादा है कि बाद में उद्धव जी भी जाते हैं प्रेमी ही बन के, ज्ञान व्यान सब भूल जाते हैं, रत्नाकर जी लिखते हैं कि ज्ञान गुदड़ी में अनुराग को रतन ले, ज्ञान की जो गुदड़ी लेके आए थे, जो गठरी लेके आए थे, उसमें अनुराग का रतन लेके जाते हैं, आए थे ज्ञानी बन के, जाते हैं प्रेमी और भक्त बनकर। तो कहती है उद्धव जी से कि उद्धव मन न भये दस बीस, उद्धव मन न भये दस बीस, एक हतो सो गयो श्याम संग, सो गयो श्याम संग को आराधे ईश,
देखिए कितना शानदार कमेंट्स होता है, आप अपनी भाषा में शामिल करिए कि आसानी से जब किसी की बात ना मानना हो तो सीधे ना मना करते हुए उसे प्रेम से समझाइए, व्यंगात्मक। कितना बढ़िया लिख रही हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम का पक्ष दे रही हैं और कह रही हैं कि आप कह रहे हैं उद्धव कि मैं ईश्वर की आराधना करूं और कृष्ण ईश्वर नहीं है, लेकिन किसी की भी आराधना करने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए हमारे पास मन का होना, हृदय का होना आवश्यक है। भक्ति हम कहाँ से करेंगे, हृदय से ही ना। और उदो मन न भये दस बीस, उदो मन तो एक ही था, दस बीस तो दिए नहीं भगवान ने, एक ही मन था, एक ही हृदय था। उदो मन न भये दस बीस, एक हतो सो गयो श्याम संग, एक ही था मेरे पास हृदय, कृष्ण के साथ चला गया, को आराधे इस। अब जो ईश्वर की आराधना है वो मैं किससे करूं, जब हमारे पास हृदय ही नहीं है, जब मन ही नहीं है तो मैं करूं कैसे। इस तरह के तर्क देती हैं व्यंगात्मक और उद्धव जी चुप हो जाते हैं। मुंह तोड़ जवाब सीधे मजाक, मुंह तोड़ जवाब देती हैं सीधे मजाक में, सामने वाला छटपटा जाए। हर बात में अपने तर्क देती हैं, जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि उधो भली करी ब्रज आए, उधो भली करी ब्रज आए, उधो भली करी ब्रज आए, कर करी बातें बे बातें कही कही, बे बातें कही कही या दुखी ब्रज के लोग हंसाए, बे बातें कही कही या दुखी ब्रज के लोग हंसाए। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ उद्धव जी कि तुम ब्रज आ गए, यहाँ के लोग तो ऐसे ही बहुत दुखी थे और तुमने ये ज्ञान ज्ञान की बातें कर करके कम से कम लोगों को हंसाने का तो काम किया, तुम्हारी बातों से लोगों को हंसी तो आई। ब्रज के लोग तो ऐसे ही बहुत दुखी थे, तुम्हारी योग की और ज्ञान की बातों से हमारे ब्रज के जो दुखी लोग थे उन्हें कम से कम हंसी आ गई। उद्धव तुमने बड़ा अच्छा किया कि तुम ब्रज आ गए, उद्धव भली करी ब्रज आए, तुमने बड़ा अच्छा किया कि तुम ब्रज में आ गए, तुमने हम पे बड़ी कृपा की कि तुम ब्रज में आ गए और ये दुखी जो ब्रज के लोग थे इनको हंसाने का काम किया, तुम्हारी योग और ज्ञान की बातों से इनके चेहरे पर हंसी आ गई। तो वो ज्ञान समझा रहे हैं पर गोपियों को तो ज्ञान समझ में आ नहीं रहा है और ना ही वो समझना चाहती हैं। सगुण और निर्गुण, वो कहती हैं कि चूंकि गोपियां सगुण ईश्वर की उपासक हैं या वो कृष्ण से प्रेम करती हैं उसी को अपना ईश्वर मानती हैं तो सगुण की उपासक हैं, और जो उद्धव हैं वो निर्गुण समझाने आए हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि काहे को रोकत मारग सूदो, काहे को रोकत मारग सूदो, यानी कि हमारा जो सगुण उपासक का मार्ग है वो सीधा सीधा हमें दिख रहा है, हमारा ईश्वर सामने खड़ा हुआ है तो हम उसकी उपासना कर रहे हैं, वो मेरा जो सीधा मार्ग है उसे रोक के मुझे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर क्यों ले जा रहे हो, सामने मेरा ईश्वर खड़ा है उसे छोड़ के मैं दूसरी पगडंडी कह के फिर उसी ईश्वर के पास आऊं, तो जो सीधा रास्ता है मैं उसी से जाने दीजिए ना, आप हमको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्यों बता रहे हैं ज्ञान और योग का। तो कहती है काहे को रोकत मार्ग सूदो, सुनई मधुप निर्गुण कंठ तें, सुनई मधुप निर्गुण कंठ तें, राजपंथ क्यों रूंधो, राजपंथ क्यों
ढूंढ। अच्छा खासा सीधा मार्ग है सगुण का, हमारे सामने ईश्वर है, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम सीधे सीधे पहुंच जाएंगे। तो हमारा सीधा मार्ग रोककर हमें वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता योग और ज्ञान का क्यों बता रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए, और ये ज्ञान रूपी निर्गुण रूपी कांटे क्यों बिछा रहे हैं राजपंथ में, क्यों उस भक्ति रूपी जो हमारा रास्ता है, जो प्रेम रूपी रास्ता है, उसमें ये निर्गुण रूपी कांटे मत बोइए उद्धव जी। अगला है प्रकृति जीवन में जीवंतता, यानी कि प्रकृति से भी वो, मैंने कल भी बताया था, प्रकृति से उसी तरह प्रेम करती हैं, उसका मानवीकरण करती हैं, यानी कि प्रकृति को भी वो अपने ही समान मानती हैं, कि उसमें भी जीव है, वो भी उसमें जीवन है, कृष्ण के वियोग में वो भी दुखी है, और प्रकृति को अपने साथ लेके चलती हैं। जीव प्रकृति और जीवन में जीवंतता दिखाती है। एक तरफ वो कहती, जब वो प्रकृति पे गुस्सा होती है तो प्रकृति से कहती है कि मधुवन तुम कत राहत हरे, जब कृष्ण चले गए तो तुम हरे भरे क्यों हो, और दूसरी तरफ वो जब उद्धव जी से बात कर रही है तब वो कह रही है कि उधो कोकल कोंजत कानन, उधो कोकिल कोंजत कानन, कानन मीन्स होता है वन, उदो वन में तो कोयल कूक रही है, यानी कि प्रेम करने का संदेश दे रही है, प्रेम का समय है, और तुम हमको क्या सिखा रहे हो, तुम उपदेश हमें क्या कर रहे हो कि हम भस्म लगा लें, योगी बन जाए, यहाँ प्रकृति का हरा भरापन है, यहाँ प्रकृति है, यहाँ सब जगह रस भरा हुआ है, और आप हमें भस्म लगाने की सलाह दे रहे हैं। उधो कोकिल कुंजत कानन, तुम हमको उपदेश करत हो, तुम हमको उपदेश करत हो, उपदेश करत हो, भस्म लगावत आनन, भस्म लगावत आनन। यहाँ प्रकृति भी रसपूर्ण है, कोयल कूक रही है, प्रेम का माहौल है, और आप हमें भस्म लगाने की सलाह दे रहे हैं, योगी बन जाने की सलाह दे रहे हैं। उद्धव जी, हमें योग समझ में नहीं आता, हमें ज्ञान समझ में नहीं आता, हम क्या हैं, हम प्रेम करते हैं, हम कृष्ण को ही प्रेम करते हैं, और कृष्ण से के साथ ही अपना प्रेम रखना चाहते हैं, हम कोई योग नहीं जानते, अगर वो ईश्वर नहीं भी है तो भी हम उसे प्रेम करते हैं, और अगर वो ईश्वर हैं हम तब भी उनसे प्रेम करते हैं। निर्गुण पर सगुण की विजय, ये मैंने अभी भी बताया था कि वो बाद में निर्गुण पर सगुण की विजय कराती हैं, वो इतने तर्क देती हैं कि उद्धव जी को बात नहीं आती, खुद उद्धव जी योग और ज्ञान भूलकर बाद में प्रेममय होकर जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि रत्नाकर लिखते हैं कि ज्ञान की गूदड़ी में अनुराग को रतन लय, ज्ञान की जो गठरी लेकर आए थे उसमें अब अनुराग का रतन लेकर जाते हैं। वो कहती हैं कि उधो सॉरी अब अति पंगु भयो मन मेरो, ये कौन कह रहे हैं, ये उद्धव जी कह रहे हैं, अब अति पंगु भयो मन मेरो। जैसे रत्नाकर जी का बताया ना कि अनुराग का रतन लेके गए, यहाँ सूरदास जी भी लिख रहे हैं, अब वो सगुण की ये विजय हो गई है, उद्धव जी खुद चकरा गए, खुद उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, पंगु मतलब विकलांग, यानी कि अब हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो गया, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। गयो वहां निर्गुण कहवे को, गयो वहां निर्गुण कहवे को, निर्गुण कहवे को भयो सगुण को चेरो, गया तो था मैं वहां निर्गुण सिखाने के लिए, लेकिन खुद ही सगुण की भक्ति लेके आ गया, मैं स्वयं ही सगुण के प्रेम में पड़ गया, और मैं खुद प्रेमी बन के आ गया, खुद सगुण उपासक हो गया, निर्गुण गोपियों को मैंने निर्गुण नहीं सिखा पाया,
वो उन्होंने मुझे ही सगुण सिखा दिया और मैं स्वयं अब प्रेम मार्ग पे चल पड़ा। स्वयं ही चेरा मतलब होता है कि उसके प्रति लगाव रखने वाला, मैं भी अब सगुण के प्रति लगाव रखने लगा, सगुण से प्रेम करने लगा। तो ये थी उनकी बाघ विदग्धता। हम उपालम्ब भी पढ़ाएंगे, प्रेम भी पढ़ाएंगे सूरदास का, और विरह भी पढ़ाएंगे, वात्सल्य भी पढ़ाएंगे। तो आप परेशान ना हो, मिलकर एक क्वेश्चन आता है तब भी लिख लेंगे, अलग अलग आता है तब भी लिख लेंगे। और आप पुराने पेपर देखते रहिए, अगर आप पेपर नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे लिखना है। जो जो टॉपिक हो चुके हैं, जैसे कबीर हो गया, भक्तिकाल की विशेषताएं हो गई और आदिकाल की विशेषताएं हो गई, इन पर आप प्रश्न देखते चलिए। प्रश्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लिख पाएंगे या नहीं। और किसी भी नोट्स या बुक का सहारा ले लीजिएगा थोड़ा सा पढ़ने, या फिर आप इन्हें देख के खुद भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, तो अपना नोट्स बनाकर भी लिख सकते हैं। आशा है आपको ये सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगा, और आपके जो और साथी हों उन्हें भी देखने के लिए दें ताकि सबको लाभ पहुँचे। और बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।